दोस्तों ये मैंने नया सैमसंग का M01 स्मार्टफोन परचेज़ करा है और इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा, साथ ही साथ अनबॉक्स भी करूंगा। हालांकि मैं इस फ़ोन को हफ्ते भर से यूज़ कर रहा हूं, मैंने आपको सारा बॉक्स कंटेंट दिखाने के लिए और कैसा है ये अनबॉक्स करने में, इस वजह से मैंने फुली पैक कर दिया है। तो बिना देरी करे मैं रजत टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं और स्पीड से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं एक ये मिनिमल कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ ये सैमसंग का M01 स्मार्टफोन का बॉक्स हमारे सामने आता है। और दोस्तों लिटरली बताऊं तो सैमसंग ने ना के बराबर पैसे खर्च करे हैं इसके बॉक्स पर। बॉक्स में देखें दोस्तों, ये 3GB 32GB मॉडल है, ब्लू कलर वेरियंट, डुअल सिम सपोर्ट करता है फ़ोन। और साथ ही साथ बता दूँ ये फ़ोन 10,000 से काफ़ी कम है दोस्तों। तो फटाफट से इसका बॉक्स ओपन करके देखते हैं क्या मिलता है छोटू से बॉक्स के अंदर। दोस्तों ये बॉक्स का पैलेट मैंने ओपन करा, इसको रखा हमने साइड में। सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है ये शानदार सा दिखने वाला छोटू कॉम्पैक्ट काफ़ी स्मार्टफोन है, ये प्लास्टिक की रैपिंग में, इसको रखते हैं फिलहाल साइड में। सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये आता है लिफाफा सा छोटा, सैमसंग लिखा हुआ है इस पर, आप देख सकते हैं, इसको भी रखते हैं साइड में। तो एक क्विक स्टार्ट गाइड है, फिर रीजनल लॉक गाइड, फिर वारंटी कार्ड, ये तीनों चीज़ हमारी काम की नहीं है। फिर आता है दोस्तों ये केबल, और केबल की लेंथ आप देखिए कितनी छोटी सी है दोस्तों, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हालांकि अब देखें टाइप सी है या नहीं, तो दोस्तों टाइप सी तो नहीं है, माइक्रो USB केबल ही दी गई है। चलिए कोई बात नहीं, इसे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे भाई, 10,000 से कम का है। तो चार्जर तो कम से कम 10 वॉट का होना चाहिए दोस्तों, देखें तो। दोस्तों ये तो डिसअपॉइंटिंग बात है, आप देख सकते हैं 5 वोल्ट और 1 एम्पियर का आउटपुट है इसमें, यानी कि केवल 5 वॉट की पावर अडेप्टर है ये। चलिए कोई नहीं, फिलहाल आगे देखते हैं, कम से कम फ़ोन तो बेहतरीन निकल के आएगा। तो फटाफट से मैं इसकी पन्नी छुटा दूं दोस्तों। पन्नी हटाने के बाद जो पहली चीज़ आप देखते हैं वो है इसकी मैट फिनिश, और ये जो नेवी ब्लू फिनिश है कैमरा पे शायद इतनी अच्छे से ना अब आपको शायद दिख सकती है। और दोस्तों पकड़ने में काफ़ी सॉलिड लगता है, हालांकि आप सुन सकते हैं प्लास्टिक है ये, बट चीप प्लास्टिक नहीं है जैसे कि काफ़ी फ़ोनों में आता है 10,000 के अंदर दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। डिज़ाइन एंड बिल्ड फर्स्ट इंप्रेशन में तो काफ़ी सॉलिड लग रहा है दोस्तों हाथ में पकड़ने पे। अब दोस्तों साइड में देखते हैं इसका फिजिकल ओवरव्यू करके कि क्या क्या मिलता है हमें। तो पहली चीज़ जो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में है सिम इजेक्टर टूल ट्रे, तो इसमें हमें सिम इजेक्टर मिलना चाहिए। मैंने ओपन कर दिया था ऐसे दोस्तों, यही कहीं होगा, ये मैंने खोल के डाल दिया दोस्तों, निकल आया है ये ऑप्टिमस को करते हैं साइड में। दोस्तों ये भी निकला था इसके अंदर, मैं आपको दिखाना भूल गया, दिखा दूँ, ये देखें ये भी बड़ा नन्नू सा है, छोटा सा है दोस्तों। इसको ट्रे को ओपन करके दिखाऊं जरा, ये कैसी ट्रे मिल रही है हमें। ट्रे तो कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इतनी नीचे में कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, सैमसंग ने आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट की ट्रे दी है, जिसमें आप जियो एयरटेल या कोई भी सिम आप यूज़ करना चाहें, उसके साथ साथ आप मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। तो फटाफट से इसको इंसर्ट करते हैं दोबारा से। आप नीचे की साइड देखते हैं दोस्तों, तो नीचे की साइड पावर ऑन ऑफ बटन है, काफ़ी क्लिकी है, टैक्टाइल है, प्लास्टिक होने के बावजूद काफ़ी अच्छा लगता है हाथ। दोस्तों नीचे की साइड आप देख सकते हैं माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, साथ ही हमें छोटा सा माइक्रोफोन देखने को मिलता है। आप देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या देखने को मिलता है, तो लेफ्ट साइड दोस्तों सिंगल बटन है अप एंड डाउन का, यानी कि वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं। टॉप पर दोस्तों हमारा प्यारा दुलारा हेडफोन जैक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो दोस्तों फ्रंट पे आप देख सकते हैं, फ्रंट पे हमें 720p का HD रेजोल्यूशन वाला पैनल देखने को मिलता है सैमसंग की तरफ से। इसी के साथ ऊपर देखें आप, तो ऊपर हमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है विद 2.2 अपर्चर। पीछे की साइड देखें दोस्तों, तो पीछे भी डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है हमें, जो कि 13 और 2 मेगापिक्सल का है दोस्तों। 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है इसमें, और 2 मेगापिक्सल का एक नाम का डेप्थ सेंसर है। अब मैं आपको इसके हार्ट यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों प्रोसेसर की कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें स्नैपड्रैगन, जी हाँ स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है सैमसंग जैसे ब्रांड से। और इसमें स्नैपड्रैगन का आपको 439 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बैटरी की बात करूँ तो बैटरी दोस्तों 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है,
और जितना मैं अभी तक यूज़ कर पाया हूँ बैटरी बैकअप भी अच्छा है दोस्तों। ये तो था इसका कुछ फिजिकल ओवरव्यू और स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों बात करता हूँ इसके इनिशियल इंप्रेशंस के बारे में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको कुछ कैमरा सैंपल्स भी अटैच कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं और कमेंट्स बताइएगा आपको कैसे लगे, जिससे आपको कैमरा का आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं बात करूं दोस्तों 720p होने के बाद भी इसकी जो स्क्रीन क्वालिटी है काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। सैमसंग जो है वो अपने मार्केट में डिस्प्ले सेगमेंट में लीडर माना जाता है और वो यहाँ पर वो डिलीवर भी करता है। साउंड क्वालिटी दोस्तों पीछे इसमें मोनो स्पीकर देखने को मिलता है और ऑन एंड ऑन जितना मैं अभी तक जज कर पाया उसको साउंड ठीक ठीक है। मैं आपको सुना के ज़रा एक दिखाता हूँ, यूट्यूब पे NCS साउंड चला के दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये मैक्सिमम साउंड पे मैंने कर रखा है इसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं साउंड जो है वो मॉडरेट है, मैं एवरेज कहना चाहूँगा, ना ही इतना लाउड है और ना ही इतना टीनी है कि आपको सुनाई ना दे। बट डेफिनेटली आप थोड़ा सा अगर आप लाउड स्पीकर जैसे चाइनीज़ फोन सुनने की आदत रही होगी तो आपको कुछ कम लग सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था इसका कुछ क्विक साउंड टेस्ट। तो इनिशियल इंप्रेशंस की दोस्तों बात करूँ तो इनिशियल इंप्रेशंस फ़ोन के काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको एक सॉलिड स्मार्टफोन चाहिए 10,000 से अंडर, अब 10,000 की बात आ गई तो मैं आपको फाइनल प्राइस बता दूं दोस्तों। ये स्मार्टफोन जो है दोस्तों रिटेल सेगमेंट में यानी कि ऑफलाइन मार्केट में टारगेट किया गया है और इस स्मार्टफोन की प्राइस जो बॉक्स पे लिखी है वो 10,000 रुपये है। बट मैं आपको बताऊं काफ़ी हैवी बार्गेनिंग के बाद मुझे 8,400 रुपये में फ़ोन मिला है, जिसको मैं कहूँगा कि काफ़ी डिसेंट बाई है इस प्राइस रेंज में सैमसंग की तरफ से। क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद होगा और आप पिछले सैमसंग के बायर रहे हैं तो लगभग दोस्तों 1-1.5 साल की कहानी ये रही है सैमसंग की कि 10,000 या उससे नीचे के प्राइस में दोस्तों 2GB रैम और 16GB वेरेंटी ऑफर करता था सैमसंग, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था। तो इस लेवल पे तो दोस्तों सैमसंग ने अपना गेम अप करा है, जो कि काफ़ी काबिले तारीफ बात है। अगर दोस्तों आप एक डेली ड्राइवर फ़ोन चाहते हैं जो कि ज़्यादा महंगा ना हो, मेड इन इंडिया फ़ोन हो, नॉन चाइनीज़ फ़ोन हो, सैमसंग ब्रांड की तरफ से हो और एक फ़ोन हो जो अच्छा दिखता हो, ज़्यादा फ्लैशी ना हो, रिलायबल हो दोस्तों, बैटरी अच्छी हो, कैमरा से ऐसा कुछ खास आप एक्सपेक्ट नहीं करते बट आप चाहते हैं कि मुझे एक लैग फ्री एक्सपीरियंस मिले, डे टू डे के टास्क में कुछ भी दिमाग की दही ना हो मेरी और साथ ही साथ दोस्तों गेम मुझे नहीं खेलने हैं, तो ये फ़ोन दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छी बाई हो सकती है। बाकी दोस्तों आप वेट करिएगा, मैं जल्दी इसका फुल रिव्यू भी लेके आ रहा हूँ। लगभग एक हफ्ता तो हो गया मुझे इसे यूज़ करते हुए, एक हफ्ता मैं और ट्राई करूँगा ताकि इसकी कुछ बारीक कमियाँ मैं आपको बता सकूँ। जो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस होते हैं वो 1-2 हफ्ता यूज़ करने के बाद ही पता लग पाते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये था दोस्तों मेरा एक डिटेल अनबॉक्सिंग वीडियो आप सबके लिए 10,000 से नीचे के नए सैमसंग M01 का। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।